फुटेज है यार। Good morning, ladies and gentlemen, to another vlog on 88 Racing. Today we are, as usual, it's a Sunday ride to Nongpo. We always do our Sunday rides to Nongpo, and it's raining, drizzling slowly. But a man's gotta do what a man's gotta do. And आज हम थोड़ा सा doubling review बनाएंगे Z900 के ऊपर. तो हमको सबको पता है कि Z900 का seat जो है, वो बहुत ही छोटा है. और एक्चुअली क्या हुआ था, ट्विंकल अपने आप में अलग से राइड में जाने वाली थी एंड मैं सेपरेटली जाने वाला था. तो क्या हुआ कि वो उसने बोला कि मैं राइड पे नहीं जाऊंगी. तो मैंने उसको बोला चलो मेरे साथ. तो मेरे पास दो Z900 है एक्चुअली, और जिसका एक मैंने रेडी करके रखा था आज के लिए, और दूसरा Z900 अंदर पड़ा हुआ था जिसमें फ्यूल व्यूल उतना है नहीं, क्योंकि मैं उसको चलाने के मूड में था ही नहीं. फिर क्या हुआ, मैंने उसको निकाला कि चलो डबलिंग जाएंगे तो उसी को लेके चलते हैं. अब जैसे ही उसको निकाला मैंने देखा कि फ्यूल तो है नहीं, एंड आई हैव टू गो इनसाइड द सिटी उसमें फ्यूल डालने के लिए. तो उसी टाइम पे मोदी आया और उसने बोला कि एक काम करो, आप मेरी वाली बाइक ही ले जाओ और मेरे को आपका बाइक चलाने दो. अब दोनों Z900 है, उसका मोदी का न्यू जेन है, मेरा ओल्ड जेन है. तो मैंने उसको बोला चल ठीक है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है वैसे, जो कि उतना प्रिसाइजली काम नहीं करता है. लेकिन अभी जो है मैं डबलिंग में चला रहा हूँ, मेरे पीछे ट्विंकल भी बैठी है. तो मेरा जो स्पीड है ना, वो रेगुलर स्पीड नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैं लीन नहीं कर पा रहा हूँ एंड मैं बाइक से अपना वेट शिफ्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ. तो बहुत लिमिटेड मूवमेंट है. मेरे कॉर्नर स्पीच को देख के हंसिएगा मत. प्लस अभी का टाइम जो है ना, ये टूरिस्ट टाइम है, तो आपका जो है लोग बहुत रहते हैं सड़कों पे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. पिकनिक विकनिक भी चल रहा है जोरों शोरों से. ये पानी वानी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. रीज़न बिंग, ये पानी वानी की वजह से बाइक्स बहुत गंदे होते हैं एंड पूरा हफ्ता उसको साला साफ करना पड़ता है उसके बाद. ये देखिए मोदी जा रहा है मस्त मौला. कैसा लग रहा है इसको, रेड एंड ब्लैक बाइक भी, रेड एंड ब्लैक बंदा भी, रेड एंड ब्लैक. तो सो फार डबल हैंडलिंग इतना भी ख़राब नहीं है, इतना भी सही भी नहीं है. इससे बहुत बढ़िया हैंडलिंग था डबलिंग में स्क्रैम्बलर पे, और एक कौन सी बाइक मैंने चलाई थी, जिक्सर 1000 पे. लेकिन जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको थकान महसूस भी नहीं होती इस डबल हैंडलिंग के साथ. देखते हैं कॉर्नर पे क्या करती है बाइक. सल्यूट टू ट्विंकल जो इन स्पीड्स में भी इतना आराम से बैठी हुई है मेरे साथ. लेकिन वैसे मैं चला धीरे ही रहा हूँ, मैं इतना फास्ट भी नहीं चला रहा हूँ, और मैं मोटोक्रॉस स्टाइल में हाथों को ऐसे खोलते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि पाँव से या टैंक से कुछ हो नहीं रहा मेरा. ये देखिए ईशान मिल गया हमको.
वापस से कैमरा ऑन कर रहे हैं बिकॉज अभी हम थोड़ा सा ना भगाने वाले हैं। अभी मुझे बहुत पिटाई हो रही है, ये लड़की मुझे बहुत मार रही है। सो गाइज आर राइड इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग, अभी हम वापस जा रहे हैं धीरे धीरे एंड मेरे को धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्विंकल ने वार्निंग दिया हुआ है मेरे को कि अगर फास्ट गया तो मेरे पीठ पे आएगा बोमी, मतलब उल्टी, बोलता है कि उल्टी कर देगी। हाँ सारे हाँ शी आस्क्ड मी नॉट टू व्लॉग बट यू नो मी। अभी आपको मेरा Z900 दिखाते हैं, मोदी चला रहा है फिलहाल। तो लुक्स देखिए, जो इसका ब्लैक आउटफिट है एंड रेड, ब्लैक एंड रेड पूरा बाइक के साथ मैच कर रहा है। देखिए पूरा ब्लैक पीछे से, ऐसा कार्बन फाइबर सीट काउल, पूरा रेड प्रोफाइल, रेड प्रोफाइल, रेड प्रोफाइल एंड ये सामने से डल गया है ओलेंस, जिसकी वजह से बाइक का हैंडलिंग सुप्रीम हैंडलिंग है। ऑन कॉल सुन बाइक तो आपको फ्रंट से लुक दिखाता हूँ। अपर मोड़, अपर देखिए कितना सही लग रहा है बाइक।
ऑस्टिन रेसिंग, बहुत सही आवाज़ है बाइक की। और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अभी जो है अंधेरा होने को है और बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है अभी तो, एंड आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि कैसा आ रहा होगा लाइटिंग वगैरह। तो इसके पहले कि वो ख़त्म हो जाए, लाइट ख़त्म हो जाए, मैं यहीं पे व्लॉग अपना जो है ख़त्म कर देता हूँ। आई फिनिश इट ऑफ ओवर हियर एंड आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। इफ़ यू डिड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दिस इज सचिन शर्मा सेइंग गुड बाय from 88 racing, and that is the aim, trying to give me a flyby on this Ninja 1000. My fuel's running really low, तो मैं नहीं जा सकता उनके पीछे। I'll have to take it a bit slow for now. Everyone's just gunning it down. Follow तो कर ही सकते हैं। सो नाउ वी आर रीचिंग टोल गेट और अभी पक्का इसके आगे और कुछ एक्शन नहीं होने वाला, बिकॉज मुझे मार बहुत पड़ गया है अभी तक। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अंधेरा भी हो गया है, बारिश भी हो रही है, तो इट विल बी वेरी अनसेफ इसके आगे अगर हम थोड़ा सा भी पुश करें।
So this is the final goodbye. See you guys. Bye bye.